प्रेरित करते हो। RCIH जो है बानसर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स में आज हम बात करने जा रहे हैं प्रकाश विद्युत धारा पर आवर्ति का प्रभाव, कि धारा पर आवर्ति किस तरह से इफेक्ट डालती है, प्रभाव डालती है। इसमें क्या होता है कि हम जैसे हम प्रारंभ में जब हम आवर्ति के मान में शून्य से अधिक मान करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो प्रारंभ में तो क्या होता है कि धारा के मान में कोई वृद्धि नहीं हो पाती है। लेकिन जैसे हम धारा के मान में, जैसे हम आवर्ति के मान में एक निश्चित मान के बाद आवर्ति का मान बढ़ाते हैं या वृद्धि करते हैं, तो धारा के मान में कुछ वृद्धि हो जाती है, धारा प्रवाहित होती है और एक विशेष अवस्था पर धारा का जो मान है वो नियत हो जाता है। उस अवस्था में हम उस धारा को कहते हैं संतृप्त धारा। यानी प्रारंभ में धारा का मान नहीं बढ़ता है, एक निश्चित आवर्ती पर धारा के मान में कुछ वृद्धि हो जाती है और जब धारा का मान नियत हो जाता है तो उस अवस्था में उसे हम कहते हैं संतृप्त धारा। उसके बाद हम बात करते हैं दहली आवर्ति की, कि दहली आवर्ति क्या होती है, दहली आवर्ति किसे कहते हैं। तो ये क्या होती है, वह न्यूनतम आवर्ति जिस पर किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, उस न्यूनतम आवर्ती को दहली आवर्ती कहा जाता है। दहली आवर्ती को न्यू नोट द्वारा दर्शाया जाता है। अगला पॉइंट आता है इसके अंदर दहली तरंग धैर्य, दहली तरंग धैर्य। तो ये क्या होता है, दहली आवर्ती से संबंधित जो तरंग धैर्य होता है उसे हम दहली तरंग धैर्य कहते हैं। दहली तरंग धैर्य को लैम्डा नोट के द्वारा दर्शाया जाता है। तो यह हमारा टॉपिक छोटा था, हम समझ गए होंगे कि जैसे ही हम प्रारंभ में आवर्ती का मान बढ़ाते हैं धारा का मान नहीं बढ़ता है, फिर एक निश्चित मान पे आवर्ती का मान और बढ़ाते हैं धारा का मान बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन अंत में धारा का मान नियत हो जाता है, उसे हम संतृप्त धारा कहते हैं। फिर हम दहली आवर्ती की बात की, दहली आवर्ती क्या होती है कि वह न्यूनतम आवर्ती जिस इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है उसे दहली आवर्ती कहते हैं, उसको न्यू नोट द्वारा दर्शाया जाता है और इससे संबंधित जो तरंग धैर्य होता है उसे हम दहली तरंग धैर्य कहते हैं, इसको लैम्डा नोट द्वारा दर्शाया जाता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।